मैं न्यूज ऑफ इंडिया से अशोक सम्राट, अंबेडकर भवन नई दिल्ली करोल बाग से हमारे साथ में बैठे हैं जो जिनको अभी भीम रतन से सम्मानित किया गया है। सर, किस कार्य के लिए आपको ये भीम रतन की आवाज़ दी गई? मेरा नाम अनिल बोध है और आज महासभा ने जो ये भीम रतन अवार्ड दिया है, ये ऐसे मिशनरी व्यक्तित्व को इन्होंने दिया है जिसने अपना पूरा जीवन मिशन में लगाया है। तो मेरे जो भी छोटा मोटा काम किया है, इन्होंने इस लायक इसको समझा कि इस अवार्ड के लायक इन्होंने सबसे पहले महासभा के इतिहास में आज ये भीम रत्न अवार्ड शुरू किया है। इससे पहले ये परंपरा में नहीं था, और जब ये अवार्ड शुरू किया तो उसमें सबसे पहले इसको मेरे को इन्होंने इसमें चूज किया। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे काम को इन्होंने सराहा, और अवार्ड लेने के बाद में जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। तो अवार्ड तो मिल गया, लेकिन हमारी जिम्मेवारी अब और भी बढ़ जाती है कि आने वाले समय में हम जो जिस गति से हम काम कर रहे थे उस गति को बढ़ाते हुए हम और तेज़ी से काम करें, समाज में ज़्यादा समय दें और ज़्यादा तरीके से बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए हम कार्य करें। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में किस तरह की कठिनाइयाँ आप लोगों के सामने आती हैं? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में हम कठिनाई सबसे बड़ी हमारी ये है कि हम इसमें महिलाओं और बच्चों को कारण क्या हैं ये बड़े समझ से बाहर है, क्योंकि जो परिवार का मुखिया है वो तो हमारे संपर्क में आ जाता है और वो बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलने को तैयार रहता है, लेकिन जहाँ बच्चों और महिलाओं की बात आती है तो वो उससे वो कंप्रोमाइज़ कर जाता है। जब करवा चौथ की बात आती है, जब भैया दूज की बात आती है तो वहाँ पर वो झुक जाता है। तो ये जो समस्या है, ये समस्या हमारे लिए बहुत बड़ी है कि हम ये जो बौद्ध संस्कार हैं बच्चों और महिलाओं में नहीं दे पा रहे। कहीं ना कहीं इसका कारण हम ही हैं, क्योंकि अगर एक हिंदू परिवार जब मंदिर में जाता है तो अपने बच्चों और महिलाओं को साथ लेके जाता है और वो बच्चों को संस्कार बचपन से ही वो मंदिर के संस्कार देता चला जाता है। लेकिन जहाँ बुद्ध विहार की बात आती है तो हम केवल बड़े बड़े लोग जो उम्र में ज़्यादा हैं, हम बुद्ध विहार में जाते हैं, अपनी बात रखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब यही संस्कार बच्चों में और महिलाओं में देने की बात आती है तो हम पीछे रह जाते हैं। इसलिए हम बौद्ध प्रचार प्रसार को महिलाओं और बच्चों तक में पहुंचाने में असफल हो पा रहे हैं, और यही कारण है कि हमारा जो प्रचार प्रसार है वो इतनी तेज़ी मात्रा में नहीं बढ़ रहा जितनी तेज़ी मात्रा में बढ़ना चाहिए। भिक्खु संघ जो है बौद्ध धर्म में, वो कहाँ तक प्रचार प्रसार में कहाँ तक मदद कर रहे हैं? बाबा साहब ने अपने समय में खुद कहा था कि मैं जो ये भिक्खु संघ को आज देख रहा हूँ, ये भिक्खु संघ बाबा साहब की नज़रों पर भी खरा नहीं था। तो वही भिक्खु संघ आज हम लोगों के बीच में है। भिक्खु संघ, भिक्खु जो है उसके कहीं ना कहीं से लगाव अपने परिवार के प्रति है। भिक्खु संघ का लगाव पैसे से है, भिक्खु का लगाव भगवान बुद्ध के बताए मार्ग पर चलने के। भगवान बुद्ध ने भिक्षा का एक ऐसा माध्यम लिया था जो एक कारण था लोगों के बीच में जाने का, हर घर तक पहुंचने का, लेकिन आज अपनी सुविधा की वजह से भिक्खुओं ने ये चीज़ छोड़ दी। आज हम लोगों के बीच में अगर हम ये बात करें तो कोई भी भिक्षु भिक्षा लेना पसंद नहीं करता, उसको भोजन या तो बुद्ध विहार में चाहिए या किसी गृहस्थ के घर में चाहिए, भिक्षा वाली नीति वो बिल्कुल भी अपनाना नहीं चाहते। आज भिक्षु कार मेंटेन कर रहे हैं, आज भिक्षु मोबाइल मेंटेन कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के होते हुए भिक्षु अपने जो उनका जो काम है, जो विनय पिटक में उनके जो नियम बनाए गए हैं उनसे वो कोसों दूर है। बहुजन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश यही है आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि वो अपने विचारों को बौद्ध संस्कारों से प्रेरित करें, बाबा साहब को पढ़ें, उनकी किताबों को पढ़ें, उनके जीवन संघर्ष को पढ़ें, और पढ़ने के बाद में वो वही मैसेज बच्चों में और समाज के अंदर बढ़ चढ़ कर जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा समय समाज को दें और बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर इस भारत को बौद्ध में बनाने में उसको सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में थे अनिल बोध जी, आप इनके साथ हो क्या, जिनको भीम रतन से सम्मानित किया गया। मेरे साथ वरिष्ठ कैमरामैन सत्यकुमार जी हैं, मैं अशोक सम्राट, न्यूज ऑफ इंडिया। धन्यवाद।